और सभी को मेरा बात धर्मदे और आज ये मेरा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक कंपास के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, एक आंसर फ्रेम करा था पढ़ने, तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर मैग्नेटिज्म चैप्टर के ऊपर है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के ऊपर है। और इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में बताऊंगा, जो बोर्ड में बहुत बार आ चुका है 3 और 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अपन उसका आंसर फ्रेम करते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये बोर्ड में भी आ चुका है बहुत बार। तो सबसे पहले आप एक मैग्नेट बना लेना क्वेश्चन पढ़ के, जब आप क्वेश्चन की आंसर की स्टार्टिंग करेंगे, मैं साइड में बना लेता हूँ, एक मैग्नेट बना लीजिएगा, रेड कलर से बनाइएगा मैग्नेट, बार मैग्नेट बोलते हैं उसको, एक आप बार मैग्नेट बना लीजिएगा, स्केल पेंसिल से यूज करके बनाइएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, और इसे मार्क कर लीजिएगा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपन ने मार्क कर दिया। अब आते हैं अपन स्टार्टिंग में इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड, पहले हिंदी में बात करेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन्स है, सुनिएगा फिर से, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी लाइन्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट। फिर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट। जैसे आप देख रहे हैं ये फील्ड्स, इसे फील कर सकते हैं हम, जैसे मैं अपन बोल रहा हूं इमेजिनरी लाइन है, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है, रन होती है आउटसाइड मैग्नेट, एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट। फिर से सुनिएगा, जितने बार आप सुनेंगे और जितने बार आप खुद ओरल करेंगे आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट। एक्शन करके करिएगा, एरो जरूर बना दीजिएगा। और एक नहीं बहुत सारी लाइन बता दीजिएगा, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं जगह कम है, इस कारण मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, तो आप बहुत सारी लाइन बता दीजिएगा, आंसर बनाते हैं, बहुत बड़ा आंसर है अभी स्टार्टिंग है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये दोनों एक ही वर्ड है, मतलब एक ही मीनिंग रहते हैं इनके। मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट। जैसा कि आपको दिख रहा है ये मैग्नेट के आउट में रन हो रही है, एंड फ्रॉम, रिकॉर्ड आएगी, एंड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट, मतलब बाहर मैग्नेट के अंदर, ये सब मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, आपको समझ में आएगा, आंसर बनाइएगा। मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट ऑन एंड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट। ये अपना इंट्रोडक्शन होता है इसका। फिर आप एक और, इट्स एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जैसे सबकी रहती है, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला,
टेस्ला वर्ड आपको याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों ने सबने सुना होगा एक हिंदी वर्ड तसला, जिसमें पानी भरा जाता है तसला, उससे आप याद रख सकते हैं टेस्ला। वेयर वन टेस्ला, वेयर वन टेस्ला, वन टेस्ला इक्वल्स टू वेबर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर्स अपॉन मीटर स्क्वायर। वेब वेब आप मतलब जाले, स्पाइडरमैन से याद रख सकते हैं वेबर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है, और जहां पर एसआई यूनिट इसकी रहती है टेस्ला, और वन टेस्ला इक्वल्स टू वेबर्स अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब अपन आ जाते हैं इसके आंसर 3 से 4 नंबर का आता है, तो इतना आंसर सफिशियंट नहीं रहता है, तो अपन इसके आगे आंसर कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते इस टॉपिक पे, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो चुका है जैसा अपना। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप यही लिख देंगे यहां से यहां तक, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नंबर वन, वो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन। कैरेक्टरिस्टिक मतलब खूबियां, प्रॉपर्टीज, इनकी क्या खूबियां है। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिन होती है, सिर्फ इसको फील करा जा सकता है। व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट। मैं शेड कर देता हूं, कहां तक लिखेंगे यहां से। व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यहीं तक लिखेंगे आप। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। अब मैं उसको अब आगे वाले स्टेप में आपको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। तो जैसा कि हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में थे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आपको बता चुका था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे क्रॉस में नहीं आती, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां से आगे यहां आ रही है, ये दोनों एक ऐसे नहीं जाती है, यहां आ रही है, क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करती है कभी। तो आइए देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। मैं आपको समझा चुका हूं कभी किसी पर इंटरसेक्ट नहीं करती, बहुत बड़ी सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये जो तीसरी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल है और समझने वाली है। देखिएगा, द क्लोजर द फील्ड लाइन, द क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्गर, देखिए द क्लोजर द फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर, मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, पहले अपन लिख लेते हैं। द क्लोजर द फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्गर, एंड द फार्दर द फील्ड लाइन, फार्दर मतलब दूर, द फील्ड लाइन लाइन आर वीकर, एंड द फार्दर द फील्ड लाइन आर वीकर। तो आप एक्शन करिएगा हाथ से जैसे मैं बता रहा हूं आपको, द क्लोजर द फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्गर एंड द फार्दर द फील्ड लाइन आर वीकर, वीकर का एक्शन ये रहता है। तो मैं आइए मैं समझाता हूँ आपको, देखिए फील्ड लाइन ये रहती है,
जितनी क्लोजर ये फील्ड लाइन रहेगी मैग्नेट से, उतना ही ज्यादा उससे कॉम्बिनेशन बनेगा। ये देखिए, जितनी क्लोजर ही रहेगी, ये क्लोजर है, ये दूर है। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो जल्दी अप्लाई करेगा, एक आयरन नेल रखा है यहाँ पर तो ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ रखा है तो वो कुछ समय बाद करेगा लेकिन करेगा। और मान लीजिए अगर कोई आयरन नेल यहाँ रखा है, इस पॉइंट में रखा है कोई आयरन नेल, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, मतलब मैग्नेट की अतिरिक्त शक्ति के बाहर रखा है, तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका सेकेंड था कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, बहुत सरल है ये, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज टेस्ला। बता चुका हूं मैं आपको, बहुत सरल कैरेक्टरिस्टिक है टेस्ला। वेयर वन टेस्ला इक्वल्स टू वेबर्स अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका प्रूफ ही मैं आपको कराऊंगा ये आया कैसे, पर जब हम और अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे चैप्टर से तब। अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट करा, तो ये हमारी सेकेंड थर्ड और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और ये इससे हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन का आंसर, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आप पूरा लिखेंगे, अगर 4 3 मार्क्स से ज्यादा का है 3 मार्क्स का है। तो ये हमारे बेसिक थे, और अब इसके ऊपर हम कुछ रूल्स बताएंगे जो बहुत से बेस्ड है, मतलब ये सब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें बहुत काम आएगा। तो थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड मार्क नरवदेकर।